A very good morning, everyone. So welcome back to this channel that is Sankat Mochim for General Awareness. So guys, as you know that we have started a series called NCERT Made Easy, the magic of NCERT. So again, a very important chapter and किसी भी government exams ले ले, मैं school से ले गए जो government exams तक आपके लिए NCERT ही एक ऐसा document है जो कि base बनता है. And बहुत लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि अगेन अंडरस्टैंडिंग हो गया या फिर उसमें जो उसके आसपास का जो सप्लीमेंट नॉलेज है वो हम लोग यहाँ पे एक ही जगह आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. तो अगेन ट्रेसिंग द टाइमलाइन इन द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर एंड देन गेटिंग द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग एंड एक मतलब कि हम लोगों ने अपना जो PDF है वो इसी तरह से ही डिज़ाइन किया है जहाँ हम आपको प्रॉपरली हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें. सो दैट इज वॉट वी आर हेयर टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट, टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन एंड टू डेवलप अ क्रिटिकल एनालिसिस और द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट इज नीडेड. सो येस सर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दैट इज वॉट वुड इनकरेज अस. सो येस सर, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री की द आइडिया ऑफ हिस्ट्री को हम लोग कैसे समझते हैं ये से हमने शुरू किया है. और उसके आगे हम लोग देख लीजिए कि UPSC हो गया या SSC हो गया या PCS एग्जाम्स या फिर पुलिस रिक्रूटमेंट, रेलवे एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन के लिए ही जो बेस बनता है वो है NCERT. सो येस सर, दैट इज देयर. तो हम लोगों ने एंशियंट इंडिया अगेन इसको हम लोगों ने पूरा डिफाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. मेडिवल को हम लोगों ने बताया कि अगेन प्री मेडिवल एंड लेट मेडिवल को, मतलब अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फिर उपानिषद वगैरह की बात करी हम लोगों ने कि उपानिषद एज अ टेक्स्ट कब आया. तो इसको भी अगेन ये हमारे को NCERT में इस तरह से क्लैरिटी नहीं आ पाती है क्योंकि जो उस पे से जो निकालना है उसको किस जैसे डिफाइन करना है वो करके हम आपको बताते हुए आ रहे हैं और बताते रहेंगे. एंड अगेन यहाँ पे हम लोगों ने बात किया फिर अशोक एम्पायर का, फिर डिक्लाइन होता है, फिर कैसे स्मॉल पावर्स आती है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं. इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने गुप्ता एम्पायर, तो अगेन 240 AD में हम लोगों को किसका राइज दिखता है, गुप्ता एम्पायर का, अ वेरी पावरफुल किंगडम दैट हैज बीन नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द लिटरेरी अचीवमेंट, द लिटरेरी रेनेसांस भी हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड, द लिटरेरी रेनेसांस, लिटरेरी रेनेसांस. रेनेसांस मतलब क्या होता है? तो अगेन रेनेसांस का अगर टर्म हम बताएं, हम बहुत जगह यूज करते हैं, हम लोग हर जगह देखते हुए, जैसे कि इंग्लैंड में हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में कब आया था या इटली में कब आया था रेनेसांस. तो रेनेसांस जब हम इंडिया में बात करते हैं तो इस टर्म का मतलब क्या है? तो रीबर्थ, री इमर्जेंस, मतलब जो एक द एलिमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, द एलिमेंट ऑफ ऑफ क्रिएटिविटी, तो द न्यू स्पिरिट, इसको हम कहते हैं रेनेसांस. तो हमको रेनेसांस, लिटरेरी रेनेसांस हमको दिखता है गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास में. तो अगेन यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी होंगे, जैसे अगेन द कास्ट सिस्टम. तो कास्ट सिस्टम जो है हमको यहाँ पर वो होता हुआ मिलेगा. तो कास्ट सिस्टम की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे कि विमेन का क्या पोजीशन है, तो वहां पे क्या होता है. तो अगेन एक इंस्क्रिप्शन है ईरान, जिसमें ईरान के इंस्क्रिप्शन कहते हैं. तो इसी टाइम के अराउंड हमको यहाँ पे दिखता है कि कैसे सती का एविडेंस, तो सती का लिखित फॉर्म में हमको यहाँ पे एविडेंस मिलता है. तो इस तरह से अगेन हम विमेन की भी बात करेंगे, उनकी पोजिशन में क्या हो रहा था. तो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू डिस्कस when we will when we will come across the individual topic. However, in this timeline aspect, we are building up a story and it is very important. It is equally and most kind of emphasis I would like to give ki hamesha isko samjhiye, ठीक है, इसको रटना नहीं है, बस एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमारी को स्टोरी टर्म्स में होना चाहिए. तो दैट इज देयर. सो 242-280 AD में हमारा कौन आया, गुप्ता एज, द कल्चरल एसेंस, जिससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं अपने एसेज वगैरह या पर्सनालिटी डिबेट में भी हम इस एज को रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 240 AD के बाद, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैसे किंगडम मतलब आया कैसे, तो अगेन श्री गुप्ता से ट्रेस किया जाता है. तो श्री गुप्ता से कहा जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर. एंड देन अगर हम बात करें तो 320 AD में, 320 AD अगेन द मेजर किंग, तो जो आते हैं यहाँ पे, एक मिनट, मैं अपने आपको थोड़ा सा स्क्रीन
स्क्रीन से हटाती हूँ। तो यहाँ पर बात करें तो 320 AD में हमको कौन मिलता है, तो 320 AD में चंद्रगुप्त वन, मेजर किंग, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन, ठीक है, दिस इज द गुप्ता। तो चंद्रगुप्त वन का यहाँ पे हमको राइज दिखता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन इंडियन हिस्ट्री। तो इनके बारे में भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये बताना है कि चंद्रगुप्त वन जो थे, जिन्होंने मेजर पावर, मतलब इसको एक तरह से जैसे श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर, बट चंद्रगुप्त वन वॉज द वन हु एक्चुअली कन्वर्टेड दिस गुप्ता एम्पायर इन टू अ वन इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल पावर, तो गुप्ता एम्पायर दैट इज। तो इसके बाद अगर बात करें, इनको रिप्लेस करते हैं, इनके बाद जो आते हैं वो है कौन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो अगेन इनका हम लोगों ने नेवल एलिमेंट की बात करी थी, ये एक्सपेंशन, एक्सपेंशनिस्ट एस्पेक्ट की बात की थी, कैसे इन्होंने टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स को बढ़ाया है। और इनको हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी हम इनको कहते हैं। तो दैट अगेन दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो कैसे वो एक्सपैंड करते हैं, उनके क्या एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, ये सब भी हम लोग पॉलिसी डिस्कशन, अगेन जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस भी डिस्कस करेंगे तो अगेन वी विल ट्रेस द पॉलिसी। लाइक टुडे ओनली वी हैव पुट ऑन एन द शॉर्ट दैट डिस्कस, लाइक वी आर स्टार्टिंग विद एन इंटरनेशनल रिलेशंस का सीरीज व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द मोस्ट ऑथेंटिक वेल रिसर्च्ड एस्पेक्ट और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का एस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ फॉरन पॉलिसी टू द आइडिया ऑफ करेंट ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या डायनेमिक्स है, ये सब हम लोग आपको बताएंगे। तो अगेन अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन की भी जैसे बात करनी है या वर्ल्ड अफेयर्स की बात करनी है, वाई डोंट यू स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, दैट इज वॉट आई सजेस्ट। तो जब भी डिबेट्स वगैरह हों तो हम ये सब पॉइंट्स ला सकते हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस ओरिएंटेशन। वाई टू ज्वाइन पर्सनैलिटी क्लासेज वेन यू कैन डिराइव नॉलेज फ्रॉम योर ओन टेक्स्ट एंड योर फ्रॉम योर ओन न्यूज पेपर एंड द करेंट टू करेंट हैपनिंग्स, सो दैट इज अवर पॉइंट। सो यस सर, तो 320 AD में चंद्रगुप्त वन, फिर आते हैं कौन, समुद्रगुप्त, 360 AD के अराउंड आते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो अगेन द नेवल पावर दैट ही इज, एंड इसके बाद अगर बात करें तो चंद्रगुप्त टू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अब इनकी बात अगर मैं करूं तो इनको इनका यही पे जो होता है, यहाँ पे एक आइडिया आता है, इनके ही जो किंगडम है इसमें नवरत्नाज आते हैं, नवरत्नाज, ठीक है, नवरत्नाज यानी 9 जुवेल्स जिनको हम कहते हैं, तो 9 जुवेल्स। दो चार पेजेस मेरे को ऐड करने होंगे तो वो ऐड मैं कर लेती हूँ। सो यस, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, तो 9 जुवेल्स हमको यहाँ पे दिखते हैं। अब इनका क्या मतलब है, ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे 9 जुवेल्स का मतलब है कि वो पर्सनालिटीज जिन्होंने अगेन द आइडिया ऑफ कल्चर, तो आइडिया ऑफ कल्चर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो कालिदास इनके 9 जुअल्स में है, तो कालिदास की बात करती हूँ। अगेन द लिटरेरी एस्पेक्ट, तो आपको इनके टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो कालिदास ने क्या क्या लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कालिदास हो गया। या फिर साइंसेस की अगर मैं बात करूँ तो साइंसेस में अगेन बहुत यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। अगेन आर्यभट्ट जो है वो भी यहाँ पे ही आएंगे, बारहमीरा जो है वो अगेन इनके 9 जुअल्स में पार्ट थे, तो इन सब की भी बात करेंगे। तो साइंसेस में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमको यहाँ पे दिखती है, तो साइंस हो गया या फिर कल्चर हो गया या फिर आर्किटेक्चर, अगेन द टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते तो वहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर में भी गुप्ता एज में काफी चीजें हुई हैं, तो दैट एस्पेक्ट इज देयर। सो अगेन यू फ्रॉम दीज पॉइंटर्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू टू कम्युनिकेट टू यू कि हाँ कल्चरल एस्पेक्ट में गुप्ता एज हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट एज। सो चंद्रगुप्त टू का जो अगेन द टाइम पीरियड इज अराउंड 380 AD में, ठीक है। तो ये देखिए 320 AD से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेस किया है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बात किया जैसे 240 से, तो अगेन जब मेजर पावर, मेजर पर्सनैलिटी आती है 320 में, फिर आती है 9 360 में समुद्रगुप्त, 380 में आते हैं कहाँ, कल्चरल एलिमेंट में चंद्रगुप्त टू, जिनको अगेन विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो
सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुप्ता एज, द मोमेंट गुप्ता एज का नाम कम्स, यू हैव टू टॉक अबाउट कल्चर, यू हैव टू टॉक अबाउट नेवल पावर, यू हैव टू टॉक अबाउट फिलोसफी. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्हीं के टाइम पे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही एक बाहर से भी एक इंसान आते हैं जिनका नाम है फाहेन. फाहेन, तो अगेन इस पे भी ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जामिनेशन में. ट्रैवलर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये जो टाइम लाइन है, इसी को ही हम यहाँ पे बताते हुए, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ तो 405 AD में हमको फाहेन का एंट्री दिखता है. तो ये चाइना की तरफ से आते हैं. अगेन द अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज्म पे जो लिखते हैं, तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो चंद्रगुप्त टू के ही टाइम पे फाहीन आते हैं. और इसके बाद अगर हम बात करें तो कुमार गुप्त नेक्स्ट आते हैं, जो रूलर उनका नाम है कुमार गुप्त. अगेन इनके बारे में भी मैं बात करूंगी तो द यूनिवर्सिटी, अगेन द बुद्धिज्म एस्पेक्ट, तो एस्टेब्लिशमेंट होती है किसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी की. तो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, अगेन मेजर यूनिवर्सिटी, जैसे आज हम लोग बात करते हैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाने की, वहां पे उस टाइम पे बात होती थी नालंदा आने की. तो व्हाई कांट वी हैव द सेम काइंड ऑफ कल्चरल एजुकेशनल एस्पेक्ट टुडे, ठीक है. तो दैट इज वॉट वी हैव टू एम्फेसाइज कि हमारा जो एजुकेशन है, अब देखिए जो एजुकेशन आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, तो एजुकेशन जो है वो कमर्शलाइज हो चुका है, ठीक है. इसीलिए ही हम क्यों इतना मेहनत करके चैनल शुरू कर रहे हैं या फिर कंटेंट, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में चल क्या रहा है. फर्स्ट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की, कि किस तरह से कमर्शियलाइज हो गया है एजुकेशन, ठीक है. 2 लाख रुपए, मतलब कि इट इज नॉट एन इजी थिंग. वी हैव टू रीच टू द मासेस एंड वी हैव टू कम्युनिकेट टू देम दैट इफ यू वॉच दिस चैनल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ क्वालिटी कंटेंट एंड द आइडिया ऑफ एथिक्स. सो एथिक्स की हम लोगों ने बात करनी है. तो एथिक्स की अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स ऑफ एजुकेशन, एथिक्स ऑफ सोसाइटी, वाई कांट वी हैव अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, वाई डू वी हैव टू सी इट इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज द बेसिक बेसिक आइडिया. क्यों नहीं हम एक क्वालिटी कंटेंट, या यूट्यूब में भी अगर मैं दूसरे चैनल्स की भी बात करती हूँ, या बहुत ज्यादा कोचिंग में भी आज जिस तरह का फिनोमिना आ रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखें तो आपको समझ में आता है. तो दिस कमर्शियलाइजेशन इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक. तो उसको काउंटर करना है, तभी हम लोग एक कल्चरल एस्पेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे, रिक्रिएट और री इमर्जेंस या रिवाइवलिज्म हो सकता है हमारे कल्चर का, अगर हम लोग यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन लेके आए. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन नालंदा यूनिवर्सिटी तो इंडिया की जो होती है एक तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटी हम लोगों का था, यहाँ पे लोग आते थे दूर दूर से पढ़ने. तो अगेन कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 415 AD में हुआ था, ठीक है, 415 AD में ही हुआ था. और 415 AD ही में ही कुमार गुप्त भी पावर में आते हैं. बट अगेन टाइम पीरियड इतना याद नहीं है ना. हाँ, बस नालंदा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है. इसके बाद अगर मैं बात करूँ, लाइट चली गई है और ठीक है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो स्कंद गुप्त, तो स्कंद गुप्त जो है यहाँ पे हमको दिखते हैं, ये लास्ट मेजर पावर रहते हैं किसकी, गुप्ता एम्पायर की, ठीक है. तो स्कंद गुप्त तो 467 AD में ये आते हैं, स्कंद गुप्त. अगेन अब यहाँ से हमको थोड़ा सा डिक्लाइन हमको दिखते हैं. अगेन इसी के ही इसी टाइम के आसपास आर्यभट्ट का भी जन्म होता है. तो अगेन द साइंसेज एस्पेक्ट, बट आपको इतना डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता एम्पायर के ही अराउंड आर्यभट्ट की भी एग्जिस्टेंस हमको दिखती है. फिर हम बात करेंगे आगे क्या, कि फिर कैसे, मतलब कि यहाँ पे डिक्लाइन हमको देखते हैं, तो क्या फैक्टर्स थे कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू होता है. तो गुप्ता एम्पायर में अगेन द आइडिया कि इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था, और फ्यूडलिज्म, द फ्यूडल फ्यूडल काइंड ऑफ थिंग हो गई थी. तो अगेन उतना पावर जो है एक तरह से एक कंट्रोल जो है वो उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. तो दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्यूडलिज्म एज अ थ्योरी के बारे में हमको पता होना चाहिए. तो फ्यूडलिज्म की भी हम लोग बात करेंगे. बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो गुप्ता एम्पायर में यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक स्टोरी के टाइम में, मतलब आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो एक कल्चर पावर है श्री गुप्त, चंद्रगुप्त. तो एंड देन अगेन आते आते आप यहाँ पे बात करें चंद्रगुप्त टू की, तो चंद्रगुप्त टू अगेन द कल्चरल एस्पेक्ट, द 9 जुअल्स, द नवरत्नास, एंड देन स्कंद गुप्त,
बट देन द डिक्लाइन ऑल्सो दैट हैपेंड ऑफ गुप्ता एज, तो वहाँ पे अगेन कास्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किस तरह से अनटचेबल्स की जो थी, जो अनटचेबल कोट अनकोट उनकी अगेन हालत में कैसे डिट्यूरेशन आ रहा था, ये सब भी फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने हैं. और इसको हम कैसे सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हैं, जब आपके पास सोशल के क्वेश्चन आते हैं तब आप इन सब चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को आर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करनी होती है. तो इस पर भी हम लोग अगेन अपने आंसर राइटिंग में कवर करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके बाद हम हर्षास की बात करेंगे. तो दैट विल वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. सो यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शंकर मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस. थैंक यू.